हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अफबो प्रिंसिपल। अब ये जो अफबो प्रिंसिपल है ना, ये किसी साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड नहीं है। अफबो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो नीट में कई बार सीधा सीधा सवाल यही आता है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, तो आंसर दे दोगे अफबो। अफबो प्रिंसिपल किस चीज से डील कर रहा है? किसी एटम की जो सबशेल्स होती हैं s, p, d, f, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस सबशेल में जाएगा या किस ऑर्बिटल में जाएगा, ये बताएंगे अफबो प्रिंसिपल। यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करनी है सबशेल्स के अंदर, s, p, d, f में 1s, 2s, 3s इसके ऊपर है। प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल किस चीज पे बेस्ड है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सबशेल के ऊपर। मतलब ये प्रिंसिपल कहेगा जो भी फिलिंग है, जो भी इलेक्ट्रॉन की आप फिलिंग कर रहे हो उसमें किस चीज का ध्यान रखो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सबशेल का। ठीक है, ऑर्बिटल वो जगह होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे s आप देखते हो तो s में एक ऑर्बिटल, p आप देखते हो तो p में तीन ऑर्बिटल एंड सो ऑन। ठीक है, अब रूल कहता क्या है प्रिंसिपल? ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। देखो, इस दुनिया में जो भी चीज है ना वो लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है, ये फिजिक्स का बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो इलेक्ट्रॉन भी लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है, मतलब पहले वो ऑर्बिटल्स या सबशेल भरो जिसकी एनर्जी कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होनी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होनी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स में होनी है। ऑर्बिटल्स बोलो या बोल दो सबशेल में होनी है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी है। अब कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल या सबशेल की एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है? जैसे हमारे पास एक सीधा सवाल आ गया कि 2s की एनर्जी ज्यादा है कि 3p की एनर्जी ज्यादा है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम ज्यादा, इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक रूल हमारे पास है, n प्लस l रूल। कौन सा रूल? n प्लस l रूल। n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया एजीमथल क्वांटम नंबर जो sp की वैल्यू से आता है। n देखो ये जो सामने लिखा हुआ है, l इसकी वैल्यू है, l किसकी वैल्यू है? s और p की वैल्यू है। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये वैल्यू, मैं साइड में एक बार बता देता हूं। s p d f, यहां l की वैल्यूज लिख रहा हूं, s की 0, p की 1, d की 2, f की 3, सिंपल। तो याद रखेंगे, और n ये है, l ये है। अब n प्लस l रूल ये बोलता है कि जो एनर्जी ऑफ सबशेल होती है, जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n प्लस l पे। यानी n प्लस l की वैल्यू जितनी ज्यादा, एनर्जी उतनी ज्यादा। n प्लस l की वैल्यू जितनी ज्यादा, एनर्जी उतनी ज्यादा। आओ इसमें कंपेयर करें, यहां n की वैल्यू हो गई 2 प्लस l की वैल्यू s के लिए 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई 2। यहां पे n की वैल्यू हो गई 3 प्लस l की वैल्यू p के लिए 1, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4। तो इन दोनों में से किसकी n प्लस l ज्यादा है? 3p की, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और 2s की कम है तो 2s की एनर्जी कम होगी। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? जिसकी एनर्जी कम है, तो पहले 2s में जाएगा फिर 3p में जाएगा। तो आइए चलिए, हमारे पास कुछ अब ऑर्बिटल्स दे रखी हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s। हमसे पूछा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाइए, किसमें लगाइए? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाइए। तो बच्चों उसके लिए हमें n प्लस l निकालना होगा। सबका ये n प्लस l डिटरमाइन करते हैं, सभी का n प्लस l सबका डिटरमाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबका n प्लस l निकालना। ठीक है, आइए, तो 1 के लिए n की वैल्यू 1 और s के लिए l की वैल्यू 0, s p d f, l की वैल्यू 0 1 2 3, तो यहां वैल्यू आ गई कितनी 1। यहां 2 प्लस s के लिए 0 वैल्यू आई 2, 2 p के लिए 1 वैल्यू आई 3, 3 s के लिए 0, 3 p के लिए 1, 3 d के लिए 2, 4 s के लिए 0, 4 p के लिए 1, 4 d के लिए 2, 5 s के लिए 0, दी आ गई वैल्यूज।
अब इन नंबर्स को देख के हम बता सकते हैं किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा। सबसे कम उसकी होगी जिसका n प्लस एल सबसे छोटा, यानी 1s की, है ना। तो सबसे कम एनर्जी होती है 1s की। इसके बाद n की वैल्यू, n प्लस एल की वैल्यू 2, ये किसकी है, 2s की। इसके बाद n प्लस एल की वैल्यू 3 देखनी है, तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जब ऐसा हो जाए बच्चों, n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब आपको देखना है किसका n बड़ा है। डिसीजन किसके हिसाब पे करोगे, n के हिसाब से। अगर n प्लस एल सेम आ जाए तो डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेंगे, n के अकॉर्डिंग। जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज़्यादा, मतलब इन दोनों में, इन दोनों में किसका n बड़ा, इसका, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा। तो पहले आएगा 2p, फिर आएगा 3s। अब 4 वाली देखो, 4 वैल्यू ये भी है, 4 वैल्यू ये भी है। अब इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, मतलब पहले आएगा 3p, फिर आएगा 4s। इसके बाद 5 की वैल्यू, ये तीनों 5 हैं, है ना, तीनों 5 हैं, ये भी 5, ये भी 5 आ रहा, ये भी n प्लस एल 5। तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, और जिसकी n की वैल्यू सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे कम, मतलब 3d, फिर कौन आएगा, 4p, फिर कौन आएगा, 5s। इसके बाद 4d की n प्लस एल वैल्यू 6, तो 4d। बाकी इसमें और भी ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे, 4f आएगा, 6s आएगा, 5d आएगा, 5f आएगा, 5p, तो वो सब नहीं शो किया मैं आपको। बेसिक प्रिंसिपल बताना चाहता था क्या डील करना है, कि कैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगे हैं। जैसे किताब में देखा होगा, ऐसा लिखा होगा, है ना। तो ये कैसे आया है, n प्लस एल रूल से। जिसका n प्लस एल ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, वो बाद में भरा जाएगा। अगर n प्लस एल सेम, तो डिसीजन लो n के हिसाब से। जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो देखिए, मैंने सारी ऑर्बिटल्स को यहाँ पे अरेंज किया, सबसे छोटा n प्लस एल 1s का, फिर 2s का, फिर इन दोनों में कन्फ्यूजन हुआ, तो इसका ज़्यादा, इसका कम। ठीक, क्लियर हो गया, ओके। अब इस चीज़ को याद करने का हमारे पास एक मेथड भी है, इस चीज़ को लर्न करने का हमारे पास एक मेथड भी है। जैसे मैं आपसे बोले, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में सबशल्स बताइए, तो आप बहुत टाइम लगाओगे, ऐसे ही लिखोगे। एक तरीका क्या है बच्चों, जो लिखा रहता है बुक्स में भी, यहाँ 1s लिखो, इसके नीचे 2s 2p लिखो, इसके नीचे 3s 3p 3d लिखो, क्योंकि 3 में 3 होते हैं, 2 में 2 होते हैं, 1 में 1 होती है सबशेल। इसके नीचे 4s 4p 4d 4f लिखो, 4 में 4 सबशेल, फिर 5s 5p, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने को और आगे लिख सकता हूँ 6s, क्योंकि यहाँ तक हमको अभी जाना नहीं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, उसके बाद वापस आओ इलेक्ट्रॉन 2p में, उसके बाद 3s में, फिर वापस आ जाओ यहाँ, फिर 4p में, सॉरी 3p में, फिर 4s में, फिर वापस आ जाओ यहाँ 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर वापस आ जाओ यहाँ, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में। ये वही ऑर्डर है जो अभी हमने आपको बताया था। जरा देखो, पहले कहाँ 1s, फिर वापस आ जाओ, फिर 2s, फिर वापस यहाँ आ जाओ 2p 3s, फिर वापस आ जाओ 3p 4s। तो जरा ये ऑर्डर देखो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देखो यही ऑर्डर बन रहा है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p एंड सो ऑन। और n प्लस एल से भी सेम यही ऑर्डर बना था, n प्लस एल से भी सेम यही ऑर्डर बना था। तो ये n प्लस एल रूल याद रखो, या इस तरह से करना याद रखो, किसी भी तरह से याद रखो, कि 1s लिख लेंगे, उसके नीचे 2s 2p, उसके नीचे 3s 3p 3d, उसके नीचे 4s 4p 4d 4f 5s 5p और 6s। ये था ऑफबो प्रिंसिपल। अब इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, और वो ये है, एक्सेप्शन, ऑफबो प्रिंसिपल का एक्सेप्शन। तो बच्चों, हाइड्रोजन एटम में, या HE प्लस आयन में, या लिथियम प्लस प्लस प्लस, या आप पहचान रहे होंगे बोहर मॉडल वाले हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है सब ये, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तीनों में ही देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वी कैन नॉट अप्लाई ऑफबो प्रिंसिपल। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी को सिर्फ n के बेस पे देख सकते हैं। किसके बेस पे, सिर्फ n के बेस पे। अगर n सेम तो एनर्जी सेम, l का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1s होगा हो, 2s लिखा हो, 2p लिखा हो, तो इन दोनों की एनर्जी सेम, और इनकी एनर्जी 1 से ज़्यादा। तो ये अफबाव प्रिंसिपल था। इसके बाद हम पढ़ेंगे हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि इलेक्ट्रॉन को अंदर ऑर्बिटल के अंदर किस तरह से डालना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।